हे बरी, कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सिनेम रिएक्शन, जिसका नाम है फेवरिस की रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी इंटरनल मैकेनिज्म टेक प्लेस होती हैं अपन लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जनरली दो टाइप की मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। एक होता है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद कभी कभी लगता है इवन सीबी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन की जद्दोजहद है, इवन एडिशन रिएक्शन भी टेक प्लेस होगा। तो सारी रिएक्शन मैकेनिज्म का निचोड़ हम लोग मेन रिएक्शन में निकालते हैं, जैसे कि आपको पता है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है यार, ठीक है, इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका कोच, आपका फ्रेंड धीरेन। ठीक है, मेरे पास मोर देन प्लस 6 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, इंडिया के वेरियस इंस्टीट्यूट में मैंने दोस्त पढ़ाया है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है, और IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी इस अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके। हमसे कनेक्ट होने के लिए प्ले स्टोर पर जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। माय डियर, क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के? हाँ, आप क्यों कनेक्ट होंगे? तो दोस्तों, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के। सबसे पहला बेनिफिट है यार डेली लाइव क्लासेस। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ डेली लाइव इंटरेक्ट करने का मौका देता है, जहाँ पे आप बिंदास होके जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं आप पूछते हो। इसके अलावा अपन लोग क्वेश्चन आंसर्स में पोलिंग कराते हैं। ठीक है, पोलिंग कराने से हमको ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने सवाल को गलत किया है। ठीक है, नेक्स्ट इज आर लाइव टेस्ट एंड क्विज। हमसे कनेक्ट होने से आपको एक और फ़ायदा है, जो कि है लाइव टेस्ट एंड क्विज देने का। क्या मिलता है हमको मॉक टेस्ट देने से? तो देखो यार, कहते हैं प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। आप जब क्वेश्चंस लगाते हो तो क्वेश्चन को टाइम के साथ लगाना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी आप क्वेश्चन जब लगाते हो तो आपको टाइमली ख़त्म होना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम पे आपका सवाल सही समय पे ख़त्म नहीं हो रहा है तो वो फिर वो बेकार है। मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे खूब मुझे बोलते हैं, सर पेपर तो बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल था, लेकिन छूट गया। उन्होंने कहा ये क्या है? तो आंसर इज़ टाइम मैनेजमेंट। उनका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था। जब तक आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा, तब तक आपको पेपर आता भी होगा तब भी आप छोड़ के ही आओगे। द रीज़न बिहाइंड, मैंने कहा कि क्वेश्चन यार 1 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, तुमने उसको 5 मिनट ले लिया है ना। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कौन सा क्वेश्चन टच करना है, कौन सा क्वेश्चन टच नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपको मॉक टेस्ट एंड क्विज से देने से एक्सपीरियंस मिलेगा, और इसी से आपकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ आएगा। जितना आपके परफॉर्मेंस में ग्रोथ आएगा दोस्त, उतना ईजिली आपके JEE की रैंक इंक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान। दोस्त मायर, हमारा जितना भी प्लान है A to Z, सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न स्ट्रक्चर मैनर में है। क्या फ़ायदा मिलता है स्ट्रक्चर्ड पैटर्न होने से? तो देखो यार, हर एक चीज़ का अपना एक शेड्यूल होता है, उसको अगर हमको शेड्यूल टाइम पे ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारे लिए वेस्ट है। मैंने कहा कि अगर आपने 1 साल के लिए इनरोल किया है और वो आपका टाइमली कोर्स ख़त्म नहीं हो रहा है, रिवीजन नहीं हो रहा है, तो वो नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए हमारा टीम कम्प्लीटली एक कोर्स को प्री प्लान प्री मैनेज में रखते हैं। हम लोग रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देते हैं, रेगुलर बेसिस पे माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, DPP सॉल्विंग टेस्ट, DPP सॉल्व करवाते हैं, टॉपिक्स चलते रहते हैं, और टाइम पे आपका कोर्स फिनिश होगा। इससे आपको रिवीजन करने का सही समय मिलेगा, और रिवीजन होगा तो रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, आप रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे आपको उतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि माइंड यार दो तरह का मेमोरी रखता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। आप जितना पढ़ते जाते हो, ताज़ा ताज़ा प्राइमरी में होता है, फिर वो सेकेंडरी से चला जाता है। अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करोगे तो सब वेस्ट है। वो एग्ज़ाम आते आते आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमारा स्ट्रक्चर्ड होना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ओके, नेक्स्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस। मंडियर, हमारे जितने भी प्लान हैं A to Z, उसमें सबसे बड़ी प्रॉफिट है, सबसे बड़ी ब्यूटी है इस ऐप की, दैट इज़ अनलिमिटेड एक्सेस। ऐसा है कि इसका सबसे पहला फ़ायदा ये है दोस्त कि अगर इन केस किसी रीज़न से आप हमारी लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आपको रिकॉर्डेड क्लास देखने का मौका मिलेगा।
इसके अलावा दोस्त अगर आप प्लान लेते हो एक टीचर का बट आपको पढ़ने का मौका मिलता है एन नंबर ऑफ टीचर से, क्या कहने का सेंस है? मडियर अन अकेडमी में एन नंबर ऑफ फैकल्टीज पढ़ाते हैं, और सारे टॉप क्लास के फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है? आपको केमिस्ट्री 10 से पढ़नी है आप 10 से पढ़िए, फिजिक्स 20 से पढ़नी है आप 20 से पढ़िए, इट्स अप टू यू, सब आपके हाथ में है, ठीक है? आपका टाइम होगा, आपका शेड्यूल होगा, आपका कोर्स होगा, आपका टीचर का सिलेक्शन होगा, आप खुद सीरियल को सेलेक्ट करोगे, ये सारी चीज़ें आपको पावर दी गई हैं, ठीक है? इसलिए इस अनलिमिटेड एक्सेस के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है? हमारे ये सारे फायदों को लेने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि हमारी 12 महीने की हो जाती है 38,500। माय डियर, इस अमाउंट में आपको हम तुरंत इंस्टेंट 10% डिस्काउंट देते हैं अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे। मेरा कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। इस कोड को यूज़ करके आपको तुरंत 10% डिस्काउंट मिलेगा, और जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650, ठीक है? इस अमाउंट को आप आसान किस्तों में भी पे कर सकते हो, ठीक है दोस्त? इसके अलावा बच्चे, अगर आप क्लास 11th में हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। देखो, इसका जो पहले फ़ी है वो है 56,000, इसमें भी आपको 10% का दोस्त डिस्काउंट मिलता है, और अगेन डिस्काउंट को लेने के लिए सेम मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ धीरेन DHIREN। आफ्टर दिस कोड आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 50,400, ठीक है दोस्त? इसको भी आप आसान किस्तों में पे कर सकते हो, और अगर मैं पर मंथ की EMI को कैलकुलेट करता हूँ तो वो बैठ रही है 2100 रुपये। 2100 में दोस्त हमारे पास तीन तीन सब्जेक्ट हैं, मतलब 700 रुपये पर सब्जेक्ट हुआ। सोचो कितना इकोनॉमिकल, कितना अफोर्डेबल है, ठीक है? इसमें इतनी सारी फैसिलिटी, आपका माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, DPP टेस्ट, DPP सॉल्विंग, नोट्स, सब कुछ मिलता है आपको, ठीक है? हाँ, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि सर हमें 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के लिए क्यों मना कर रहे हैं। तो देखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि यार अगर मैं PCM के तीन सब्जेक्ट को सम करता हूँ तो टोटल मिला के मेरे पास 90+ चैप्टर्स हैं। 90+ चैप्टर को क्या वाकई 3 महीने और 6 महीने में ख़त्म किया जा सकता है? और ऐसा ख़त्म जो एक्चुअली JEE को चाहिए। एक होता है ख़त्म करना, एक होता है JEE के लिए ख़त्म करना, वो एक अलग लेवल की बात होती है। JEE में एंट्री लेने के लिए आपको उस डेप्थ को, उस नॉलेज होनी चाहिए, उस डेप्थ का माइंड लेवल चाहिए, सब कुछ आपके हाथ में होना चाहिए, उसके लिए अच्छा खासा समय होना चाहिए, और वो दोस्त 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने में मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इसलिए आपको 12 मंथ या आपको 24 मंथ का तो प्लान लेना चाहिए, ठीक है? ज़्यादा समय रहोगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ज़्यादा मॉक टेस्ट दूंगा, इसलिए आपसे मैं बोल रहा हूँ 24 मंथ का प्लान अगर आपसे 11th में हो तो आप इसको ज़रूर लो, ठीक है दोस्त? हाँ, ये कुछ झलकियाँ हैं क्लास की। मेरी नॉर्मली लाइव क्लास चलती हैं, लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपके लिए दोस्त, आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं करना। आपको रोज़ मैं लगभग रात के 9 बजे मिलता हूँ अनअकैडमी ऐप पे। आप फटाफट से इस ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो आप मेरा नाम सर्च करिएगा, धीरेन क्षेत्रपाल, ठीक है? इस नाम को सर्च करने के बाद आप मुझे फॉलो करिएगा, आपको रोज़ मैं रात में 9 बजे मिलूँगा। वहाँ पर अलग ही लेवल का मज़ा आता है, क्योंकि वहाँ लाइव पोल, बच्चे लाइव में होते हैं, तो आपको जो डाउट पूछना है पूछ सकते हो। वहाँ पे मैंने बहुत सारी सीरीज़ चला रखी हैं, आप उनको भी देख सकते हो, जैसे PYQ सीरीज़ है, ठीक है, रैपिड फायर सीरीज़ है, ठीक है, बूम बूम सीरीज़ है, ये सारी सीरीज़ मैंने चला रखी हैं, और हर सीरीज़ का एक अपना मतलब है, ठीक है? तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ को ज्वाइन करिए, आइए देखिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्त, ठीक है? इसमें चलिए मिलते हैं फिर। माय डियर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम लोग नेम रिएक्शन की सीरीज़ को प्लान कर रहे हैं, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आज इसका पार्ट 8 लॉन्च है, जिसमें अपन लोग फेवोरिस्की रिएक्शन या फेवोरिस्की रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल रीअरेंजमेंट से कैसे अलग है, कौन कौन से लेवल इसमें एग्ज़ाम में आते हैं, कौन कौन से JEE में इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको आराम से डिस्कस करूँगा, ठीक है? पहले इसकी बेसिक बात को समझ लेते हैं, इसका जो बेसिक मोड कहता है
वो ये कहता है कि ये जो मैकेनिज्म है, ये जो रिएक्शन है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है अल्फा हेलो कीटोन का, किसमें? ईस्टर की तरफ। मतलब आपको अल्फा हेलो कीटोन्स को कन्वर्ट करना होगा एस्टर में। अल्फा बोले तो अल्फा ग्रुप पे हेलोजन लगा हो कीटोन के साथ, ठीक है। इसका रिअरेंजमेंट होता है, और रिअरेंजमेंट करने के लिए अपन लोग एक एल्कोक्साइड आयन लेते हैं, और इस रिअरेंजमेंट को अपन लोग फेवोरिस्की रिअरेंजमेंट या फेवोरिस्की रिएक्शन बुलाते हैं। आइए इसका स्टार्टअप लेते हैं, कैसे ये रिएक्शन स्टार्ट करती हैं। तो सबसे पहले मुझे एक अल्फा हेलो कीटोन लेना होगा। लेट सपोज करिएगा मैंने एक कुछ ऐसे ले लिया, देख सकते हैं ये मेरा कीटोन है। कीटोन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इससे लगा हुआ हेलोजन अल्फा हेलोजन, इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कीटोन का होना, ठीक है ना। अब इस अल्फा हेलो कीटोन को अपन लोग क्या करते हैं, किसी भी एल्कोक्साइड आयन के साथ डालते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने CH3O- NaPlus के साथ डाल दिया, आप C2H5 भी डाल सकते हो, कोई भी एल्कोक्साइड आयन यूज़ कर सकते हो जो ऐसा काम करेगा, ठीक है, जो ऐसा काम करेगा। तो शुरुआत कैसे करते हैं, सबसे पहले तो अपन लोग, ये मेरा एल्कोक्साइड आयन है, यहाँ पे ये बेस की तरह काम करता है। अब देखो यार, अगर ये बेस की तरह काम करेगा तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन के साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन होता है, मुझे उसको रिमूव करना होता है। अब बोलोगे सर हाइड्रोजन तो ये भी है और हाइड्रोजन तो ये भी है, तो यहाँ कहीं लिख लीजिएगा जिसके साथ हेलोजन नहीं है उस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करना है, रिमूव दैट हाइड्रोजन विच डज नॉट अटैच टू द हेलोजन, रिमूव दैट हाइड्रोजन हाइड्रोजन विच इज नॉट कनेक्टेड विथ अल्फा हेलोजन, ठीक है, मुझे इसको रिमूव करना होगा, ठीक है, ओके। तो स्टार्टअप देते हैं रिएक्शन को। ये आपके पास C6H5 था, यहाँ आपके पास CH था, ये आपका CH, ये C डबल बॉन्ड O दोस्त, ये आपका CH2 और ये आपका CH। जब मैं इसको रिएक्शन कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसे टाइप का सब्सटेंस मिलेगा, एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस करेगी, और यहाँ पे CH2CO2- कुछ ऐसे फॉर्म होगा। तो मैं कह सकता हूँ दोस्त कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई इसका नाम एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, ठीक है। इसके बाद कोई मेंबर बाहर से नहीं आता, जैसे अभी तक हम लोग पीछे बहुत सारी मैकेनिज्म में बहुत सारे रिएक्शन में मेंबर बाहर से लाते, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि नाम ही रीअरेंजमेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बहुत नई रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को बोलते हैं इंट्रा मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या नाम दिया मैंने? इंट्रा मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कैसे करते हैं, नाम को ही पकड़ेंगे आप तो आपका काम हो जाएगा। इंट्रा मतलब अपने अंदर ही, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम बहुत बार पढ़े हैं, तो देख सकते हो ये Cl एक लिविंग ग्रुप है, तो ये दोस्त इस पर अटैक करता है और इसको ये बाहर फेंकता है, ठीक है, ओके, कह सकते हैं। तो अपन लोग करते क्या है, ये कुछ ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो C6H5CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH और इसकी बना देंगे बॉन्ड, कुछ ऐसी टाइप की बॉन्ड बन जाएगी क्या, ठीक है। प्लस Cl बाहर निकल गया होगा, उससे हमारा मतलब नहीं है, ओके, कह सकता हूँ क्या, ये CH2 टाइप समथिंग। तो इसका जो स्ट्रक्चर बना एक साइक्लिक रिंग टाइप बन जाती है, तो इसकी जो मेन ब्यूटी, इसकी जो मेन खासियत है वो एक साइक्लिक रिंग बनाने की है, इसकी एक साइक्लिक रिंग बनाने की ब्यूटी है, बाकी वैलेंसी आप पूरी करते रहिएगा, ओके। और इसके बाद आप इसमें फिर से OMe डालते हो, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म कराते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो साइक्लिक साइक्लोप्रोपेन बन रहा है, साइक्लिक रिंग बन रही है, वो उतनी स्टेबल नहीं है। द रीज़न बिहाइंड, तीन कार्बन की साइक्लिक रिंग है और तीन कार्बन साइक्लिक स्टेबल नहीं होती, इसलिए ये फटक से टूटने की कोशिश करती है दोस्त। आपने इस पर अटैक किया और ये बाहर, ठीक है, जब ये टूटेगी तो आपके साथ कुछ ऐसा हादसा होगा क्या,
यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ओ सी एच थ्री लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका ये सी एच है, यहाँ पे आपका सी एच टू है। और ये अब यार एक ही कार्बन पे नेगेटिव चार्ज भी ऑक्सीजन भी, अच्छी बात तो है नहीं, तो हमको यहाँ से बॉन्ड को फिर से तोड़ना होता है। अब ये कैसे तोड़ते हैं, यहाँ पे ही सतर्कता दिखानी है, यहीं पे हमको सतर्कता दिखानी है कि क्या हमारा किस डायरेक्शन में टूटेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्त, जब आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे यहाँ से यहाँ, तो आपके पास दो रास्ते हैं, एक बॉन्ड ए वाली रस्सी है और एक आपका रास्ता बी को जाता है। मैं दोनों रास्ते पे जाऊंगा दोस्त और देखूंगा कि किस रास्ते पे ज़्यादा एनायन स्टेबल है। तो मैं लीजिए, मैं पहले ए वाले रास्ते पे जाता हूँ, तो जब मैं ए वाले रास्ते पे जाऊंगा तो बॉन्ड यहाँ आएगा। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे सी एच नेगेटिव, ये सी, यहाँ डबल बॉन्ड ओ, और ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा है, है ना, तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको क्या, यहाँ पे आपका सी एच टू, यहाँ पे आपका सी एच नेगेटिव, और यहाँ पे आपका ओ सी एच थ्री, नो डाउट। सॉरी, ये डबल बॉन्ड मैंने क्यों बनाया है, छी छी छी, जगह कम होने के चक्कर में ऐसा करते हैं, थोड़ा सा ऐसे लिख दो, चलो एक बार मौका दो दोबारा, यहाँ लिख देते हैं यार। ये बन जाएगा आपका सी सिक्स एच फाइव, सी एच नेगेटिव, सी एच, ये वाला सी एच टू, ठीक है, इसके बाद ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, कुछ ऐसा टाइप का आपको नजर आ रहा होगा, है ना, आ रहा है ना। और यहाँ पे इसके बाद आप सी एच थ्री ओ एच डाल के ये जो H प्लस है वो यहाँ पहुँचाओगे दोस्त, तो फाइनली आपकी जो एक यील्ड आएगी वो कुछ ऐसी आएगी। ये यील्ड A की वजह से आई है दोस्त, है ना। और अगर मैं B की बात करता हूँ, मैं एक बार मुझे दोबारा देखने दो कि क्या बनाया था, यहाँ पे था, ठीक है ना, मैंने इसको गया यहाँ से ए और यहाँ से ये बी, तो जब ए पे आया था तो कहानी कुछ ऐसी आई थी, सी एच नेगेटिव, उसके बाद यहाँ पे ये सी एच टू, ये सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। और जब मैं कहानी बी की तरफ सोचूंगा तो दोस्त कहानी कुछ ऐसी आएगी क्या, ए इस बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ तो ये आएगा सी सिक्स एच फाइव सी एच, यहाँ पे आ जाएगा ये C डबल बॉन्ड O ओ सी एच थ्री, और यहाँ आएगा सी एच टू नेगेटिव, ठीक है, दिख रहा है आपको, दो अलग अलग कंडीशंस दिख रही हैं। अब याद रखिएगा, आगे चल के हम उसी नेगेटिव चार्ज को प्रोसीड करेंगे, क्या बोला, आगे चल के हम उसी नेगेटिव चार्ज को प्रोसीड करेंगे जो स्टेबल कार्बन आयन होगा, ठीक है, ये लिख लीजिए, इस बात को कहीं लिख लीजिए, सेलेक्ट दैट नेगेटिव चार्ज विच इज स्टेबलाइज्ड, ठीक है, तो उसमें नो डाउट यार, अगर तुम्हारा ये सिचुएशन ए है, तुम्हारा सिचुएशन बी का है, हाँ, तो यहां पे आपको देख रहे हो बेंजीन रिंग्स को स्टेबिलिटी मिल रही है, इसलिए ए जो है हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा। और ये जो चूंकि हमारा ए जो ज़्यादा स्टेबल है, उसने यील्ड कुछ ऐसी दे दी, सी एच टू सी ओ सी एच थ्री है यार, इट्स लाइक सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ओ भी तो होगा एक, ये ओ सी एच थ्री होगा दोस्त, ठीक है, इसमें आप फिर से मिथेनॉल डाल दोगे, उसी का एसिड जो है वो यहाँ के आके अटैक कर देगा, और फाइनल यील्ड तुम्हें कुछ ऐसी मिल जाएगी, देख सकते हो, ये आपका कहीं ना कहीं एस्टर आपको दिख रहा होगा, नो डाउट।
बहुत सिंपल था, है ना, एस्टर आपको दिख रहा होगा। तो अपन लोग ने बेसिकली किया क्या, अपन लोग ने अल्फा हेलो कीटोन को सहारा लिया और अल्फा हेलो कीटोन को कन्वर्ट किया अपन लोग ने एस्टर में, ठीक है, जो हमारा मोटिव था। तो हमको हाइड्रोजन वहाँ से हटाना है जहाँ से हेलोजन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन को इंट्रा मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है जिससे आपको साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन परफॉर्म कराओगे और कराने के बाद आप दो ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन ए आएगा एक ऑप्शन बी आएगा दोस्त। किसी एक ऑप्शन को आपको उठाना है, मतलब उसको उठाना है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, साफ साफ लिखा है, सेलेक्ट दैट नेगेटिव चार्ज विच इज स्टेबलाइज, जो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद उसमें एसिड डाल देना है, तो एसिड तैयार हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ योर बेसिक लेवल, दैट इज़ यू कैन से दिस इज़ योर लेवल वन, इसमें कुछ नहीं था ऐसा, ठीक है। अगला आता है अपना लेवल टू, लेवल टू में हमारे पास इन्होंने साइक्लिक अल्फा हेलो एस्टर दिया है, ठीक है, इसकी रिंग दी है, ओके, और इसके साथ इंटरेक्शन दिखाना है, मतलब दोस्त कुछ ऐसे मान के चलना यहां है कुछ, और ध्यान से बहुत आराम से, पहले तो देखो ये अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, मतलब ये एसिडिक प्रोटॉन दिख रहा है, यहाँ पे मैं O माइनस एन ए प्लस एम ई लिख दे रहा हूँ, अटैक करेगा तो कुछ ऐसे होगा एसिड बेस रिएक्शन टाइप, ठीक है, ए बी रिएक्शन लिख देता हूँ, वही जो पीछे किया है वही सेम काम करना है, बस इस बार चूँकि साइक्लिक में है, इसके बाद ये इंटरनल अटैक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, और यहां कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी दोस्त, ठीक है, डबल बॉन्ड दोस्त यहां आ जाएगा, है ना, मैं इसको वहां अगले पेज बना ले रहा हूं, ये कुछ ऐसे आपको नजर आ रहा है, नो डाउट, है ना, एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। अब आपके पास फिर से वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को परफॉर्म करना है, है ना, ये इस पर अटैक, ये बॉन्ड खुला, जब ये बॉन्ड खुलेगा तो कहानी फिर कुछ ऐसी हो जाएगी, क्या यहाँ आया O माइनस, यहाँ आया ओ एम ई, कर लोगे ना दोस्त, बस अब तो क्या है, इसको अटैक यहाँ, यहाँ से तो एक ही प्रोडक्ट आना है, कोई फर्क नहीं है, चाहे इस बार ए और बी मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि ए और बी से दोनों सेम प्रोडक्ट आएगा, तो कुछ ऐसी कहानी आ जाएगी क्या, ए यहाँ आएगा सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ आ जाएगा ओ मी, ठीक है, और यहाँ कुछ दोस्त नेगेटिव चार्ज, मान लोगे ना इस बात को, कुछ नया नहीं है, बस अब तो अटैक कराना है अल्कोहल का, मतलब फिर से एसिड बेस रिएक्शन परफॉर्म करानी है, इंट्रैक्शन करा देना है प्रोटोनेशन का, आप चाहे इसको एसिड बेस वर्कअप की भी हेल्प से कर सकते हो, फाइनली ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, सिंपल था दोस्त, ठीक है। मैं थोड़ा सा लेवल बस इंक्रीज कर रहा हूँ और ये लेवल आपके काम का है, अब बार बार मैकेनिज्म से नहीं चलने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट कोशिश करते हैं, आप समझदार हो, है ना, चलो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं। मेरे सामने एक क्वेश्चन है, वो कुछ ये दे रखा है क्वेश्चन में, ए यहाँ लगा रखा है उसने बी आर, और यहाँ लिख रखा है उसने एन ए ओ ई टी, ठीक है, कोई फर्क नहीं, ठीक है, क्या हम प्रोडक्ट बना लेंगे बहुत बहुत इजीली से, देखो ये मेरा अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा, क्या मैं अगर दोस्त इसको करने लग जाऊंगा तो फिर वही करूंगा जो पीछे करते आया हूँ, यहाँ पे नेगेटिव लाऊंगा, यहाँ पे ऐसे रिंग बनाऊंगा, कर लोगे क्या ये आप, या मैं करूँ,
वैसे आप समझदार हो, इजीली सब कर लोगे। बस अब तो कुछ नहीं करना, इंटर मॉलिकुलर रिएक्शन, ये बाहर, ये यहाँ से बाहर, और समथिंग लाइक पिक्चर कुछ ऐसी बन जाएगी। क्या कहते हो? ठीक है, बस इसके बाद तुम खुद परफॉर्म कर देना यार, वही NaOET OET माइनस इसका अटैक करा देना, यहाँ से परफॉर्म कर देना दोस्त, इसको बाहर और बाहर निकाल देना, ठीक है ना? ट्राई कर लीजिएगा, मैं मान के चल रहा हूँ यार इतना तो आपको आ गया होगा। मुझे लेवल बढ़ाने दो, है ना, मुझे लेवल को बढ़ाने दो, मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। ठीक है, अब आप सुनिएगा, अब सुनिएगा, अगला लेवल का क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन, ट्राई करके देखो भाई। हाँ एकदम 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 ट्राई करो। यहाँ इसने दे रखा है NaOET, बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं, वही अपने पास हाइड्रोजन ये वाला होगा, ठीक है, ये O माइनस Na प्लस, पहले एलिमिनेशन, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, समझदार तो ही गए हो, और फिर इस पे अटैक, ये बाहर, कुछ ऐसी बन जाएगी क्या दोस्त? अभी भाई अच्छी कैब बन जाओ यार। हाँ, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप बन गया, फिर वही काम, फिर से तुम NaOET करोगे, ये इस पे अटैक, ये बाहर बॉन्ड खुल जाएगा, तो दोस्त फिर हम यहाँ पहुँचेंगे, बस अब यहाँ पे रुक के थोड़ा सा सोचोगे, सोचोगे ये कि किस जगह पे अटैक कराना है, ये जब यहाँ पे आएगा तो एक बॉन्ड ए है और एक बॉन्ड बी है, तुम बताओ, मैंने पीछे बताया है, तुम समझदार हो, किस बॉन्ड को तोड़ोगे, तो बताओ नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबलाइज होगा, ए वाली बॉन्ड को तोड़ने पे या बी वाली बॉन्ड को तोड़ने पे? ठीक है ना, इमेजिन करो भाई, यहाँ नेगेटिव आया है एक बार, और एक बार यहाँ इमेजिन करो नेगेटिव आया है, इतनी इमेजिनेशन तो आ गई होगी ना यार। अब ए पे जो नेगेटिव कार्बन पे आया है, जब ए बॉन्ड टूटा होगा तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो मुझे ए वाले बॉन्ड को तोड़ना चाहिए, ए बॉन्ड विल ब्रेक एंड ये अपन लोग नेक्स्ट स्टेज पे ब्रेक करने जा रहे हैं, ठीक है ना? बस एग्जाम में यही बात का दिमाग लगाओगे तुम, यही ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पूछेगा कि किस बॉन्ड को तुम ब्रेक करने के मूड में हो, तो बोल देना भैया हम वो बॉन्ड ब्रेक करना चाहेंगे जिस पे नेगेटिव चार्ज मेरा स्टेबलाइज हो। स्टेबिलिटी से ये होगी कि भाई एनर्जी उसकी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका फास्टर होगा, यील्ड ज़्यादा अच्छी मिलेगी, है ना? बाकी तुम समझदार हो ही गए हो। यहाँ पे pH, यहाँ पे नेगेटिव, एसिड बेस वर्कअप करा देना, ठीक है, दैट्स नाइस, अमेजिंग मैन। ये हुई ना बात, ठीक है, लेवल थोड़ा सा बढ़ाने दो और इतु सा, इसको तुम नाम देना चाहो दे सकते हो, लेवल 3, लेवल 4, जो तुम्हें नाम देना है, ठीक है। यहाँ पे खासियत होगी, बहुत बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत ध्यान से देखना, सवाल इन्होंने कुछ ऐसा दिया है दोस्तों, एक BR लगाया है यहाँ पे, BR और एक BR यहाँ पे लगाया है, और इसको इन्होंने दे रखा है NaOET, ठीक है। इस सवाल के दौरान आपको इस बार दो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, तो आप कोई भी एक निकालोगे, अभी बताते हैं, फिलहाल अभी तो कोई भी एक निकाल सकते हो, इसका सोल्यूशन मुझे ये कहता है कि मान लो थोड़ी देर पे मैंने इसको बाहर निकाला, है ना, इसको जब बाहर निकाला तो सिचुएशन कुछ ऐसी आई दोस्त, यहाँ पे BR, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, बहुत ध्यान से देखना,
ये कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म है, ये अब तो मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ बस, अदरवाइज ऐसा एक साथ होता है ये सब काम, बस आपको समझाने के लिए है। यहाँ पे दोस्त ये बी आर था, ये मत भुलवा देना ना, भूल जाना यहाँ कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ से पहले इसको बना लेता हूँ, हम कुछ यहाँ पे हैं दोस्त, देख सकते हो एक बार, हाँ एग्जैक्टली, इसमें आपने फिर से वही एन ए ओ ई टी डालना है, अटैक करना है, अटैक करोगे तो कहानी दोस्त कुछ ऐसी खुलेगी, बस अब यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हमारा मोटिव होना चाहिए कि जितने भी हेलोजन है वो सारे निकाल दें। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ समझाने के लिए तुमको बस, कि फिर से ये इस पे आएगा तो फिर से दो पॉसिबिलिटी आएगी, एक बॉन्ड ए की एक बॉन्ड बी की, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, एक बार बॉन्ड ए की एक बार बॉन्ड बी की, जब मैं बॉन्ड ए की करूँगा दोस्त तो कुछ ऐसी कहानी आएगी क्या, सपोर्ट देना, हाँ, और यहाँ कुछ बी आर आएगा ये ऐसे, और मैं ए वाले बॉन्ड को तोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, तो बी आर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, और जब मैं दोस्त बी वाले बॉन्ड को तोड़ूंगा ना, जब मैं बॉन्ड बी वाले को तोड़ूंगा तो कुछ कहानी दोस्त ऐसी आएगी, ये वैसे का वैसे, यहाँ ऐसे नेगेटिव चार्ज दोस्त यहाँ पहुँचेगा, बी आर दोस्त यहाँ है, ये सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख लो कहीं, कि हमारा मोटिव होना चाहिए कि अगर इनकेस दो हेलोजन आ जाते हैं, दो बी आर आ जाते हैं, तो मुझे उसको दोनों को हटाना है, ठीक है। अब एक तरीका आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यार ये जो मेरा बी वाला है ये मोर स्टेबल है, इसके पीछे दो तीन कारण हैं। एक तो देखो इसको इंडक्टिव इफेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, इसको स्टेबिलिटी मिल रही है इंडक्टिव से। तुम बोलोगे सर इंडक्टिव से स्टेबिलिटी तो यहाँ पर भी मिल रही है, मैंने कहा भाई ठीक तो है बात, सही कह रहा है, स्टेबिलिटी यहाँ पे मिल रही है, हाँ, लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन परफॉर्म होगी बी वाले में, इसको बोलेंगे इवन सीबी मैकेनिज्म। कुछ मैं बी वाला ऐसे बना लेता हूँ एक बार दोबारा से, मुझे एक बार बस बी बनाने दो, ये कुछ ऐसा है। अब दोस्त यहाँ पे एक इंटरनल मैकेनिज्म होती थी, हमने पढ़ा है इवन सीबी मैकेनिज्म, तो जब इवन सीबी मैकेनिज्म होगी तो ये इस पर अटैक और ये बिहार एक लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, और जब ये बाहर जाएगा तो फाइनली जो तुम्हारे हाथ में आएगा वो कुछ ऐसे आएगा क्या, ये डबल बॉन्ड, ये सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ आ जाएगा ओ ई टी, अल्किनिक टाइप कुछ बन जाएगी, डबल बॉन्ड बनता ही बनता है। तो मैं आपको बस बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इनकेस ए ले लिया होता तो ए को रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता, ए को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, इस बी आर को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता, फिर आप मजबूरी एच लगा के यहाँ छोड़ देते। ऐसा मत करना दोस्त, आप जो है ऐसा करोगे, ईस्टर तो बनना ही बनना है, उसमें नो डाउट है, बट इस बार अल्किनिक ईस्टर बनेगा, मतलब अल्कीन के साथ ईस्टर बनेगा। तो अगर इनकेस आपके पास दो दो बी आर हैं तो आप उस बी आर को छेड़ो, उस बी आर को, दोनों बी आर को निकालना है, ये आपको एग्ज़ाम हॉल में दिमाग चलाना पड़ेगा कि मुझे किस बी आर को निकालना चाहिए, ठीक है ना। था ना बहुत सा खूबसूरत सा क्वेश्चन, हाँ अब ट्राई करिएगा एक सवाल और, एकदम सेम सवाल है दोस्त, अब दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, मैं थोड़ा स्पीड फास्ट कर रहा हूँ, बस यही चीज़ उन्होंने क्या कर दिया है, रिंग के अंदर कर दी है, ठीक है। मैं स्पीड थोड़ा तेज कर दूँ क्या यार, एन ए ओ ई टी दे रखा है और प्रोडक्ट पूछा है, तो फटाफट आओ मिलते करते हैं, क्योंकि आप अब समझदार हो गए हो यार, यहाँ एच लगाया, मैं रिंग तक डायरेक्ट पहुँच जा रहा हूँ, क्योंकि असली कहानी रिंग के बाद ही है ना, ये डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड ओ, और मान के चलते हैं कि इस एच को बाहर निकाला तो यहाँ नेगेटिव आया होगा, इसने इस पर अटैक किया होगा, तो मान के चलते हैं बी आर यहाँ आया होगा। आई होप दोस्त इतना तो तुम कर लोगे, इतना समझदार हुई हो, और इस बार थोड़ा सा बस इतना ही सोचना है कि एन ए ओ ई टी डालना है यहाँ पे नेगेटिव, है ना, ओ माइनस एन ए प्लस जो भी है आपका हाथ में आएगा,
और यहाँ आ जाएगा बी आर। अब बस यही सतर्कता दिखानी है, मेन इंपॉर्टेंट तो यही है कि हम किस साइड से तोड़ें, ए साइड से तोड़ें कि बी साइड से तोड़ें, आपको मेन यही दिमाग लगाना है भाई, ये ए साइड है ये बी साइड है। तो अभी आपको बताया कि अगर मैं एलिमिनेशन करना चाहता हूँ, इवन सीविज करना चाहता हूँ, तो मुझे बी वाले बॉन्ड को ब्रेक करना चाहिए, है ना, ये पीछे डिस्कस हुआ है दोस्त, एंड आई होप इतनी बात तुम्हें तो समझ में भी आ गई होगी। अब तो यार यहाँ नेगेटिव आया और ये फाइनली नेगेटिव जो है दोस्त, इस पर अटैक करके इसको बाहर, कुछ अजब सा प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा। एंड दिस इज माई फाइनल ईल्ड, ये मेरी फाइनल ईल्ड है, सुंदर सी बना दें, लो भाई तुम्हारी बात ही मान ली, कुछ ऐसी ईल्ड आएगी, मैं इसको हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ उस ईल्ड को। तो इट्स अप टू यू, आप दिमाग कैसे लगाते हो एग्जाम हॉल में, कैसे इन टाइप के सवाल को टैकल करते हो, सोचते हो, ये सब कुछ आपके हाथ में है, ठीक है। सवाल सिंपल आते हैं इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब या तो इसको पहचान लोगे अपने आप, कभी 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 बहुत ज़्यादा उसने परेशान किया तो इतना कर सकता है कि जैसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे भी ऐसे दे देगा आपसे, मैं बता देता हूँ, एक कुछ ऐसे टाइप का सवाल आपको दे देगा कि यहाँ डबल बॉन्ड कर देगा, और आपने ये पढ़ा होगा यहाँ बी आर टू इन द प्रेजेंस ऑफ सी सी एल फोर प्रोडक्ट ए, फिर एन ए में एन ए ओ प्लस ओ ई डी डाल के हीट करवा देगा, प्रोडक्ट बी बनाएगा, आपसे बोलेगा कि भाई ए और बी की यील्ड बता दो। दोस्त कर तो लोगे यार, इतने समझदार हो ही गए हो, ये बहुत बार तुमने मेरे साथ देखा है, देखा है कि नहीं देखा है, एक सी एल यहाँ एक सी एल वहाँ, इस बार बस ये है कि एक ही पे दोनों हैलोजन है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, वही काम करना है, वही काम करना है, मैं नहीं कर रहा, बस ये मेरा ए हो गया, इसके बाद तुम बी परफॉर्म करो, उम्मीद करता हूँ कि तुम बी परफॉर्म कर लोगे, ये एक कार्बन है, ये कार्बन है, हाँ ना दोस्त, परफॉर्म कर लोगे ना यार, दिमाग तुम्हें लगाना है, ईल्ड तुम्हें बनानी है, तुम्हें दिमाग चाहिए कि कहाँ से कहाँ निकालना चाहिए, तो परफॉर्मेंस तुम्हारा अच्छा होना चाहिए दोस्त, यहाँ पे ये ऐसे है, है ना, अब ये इस पर अटैक तो ये बाहर, बस वही काम मैं दोबारा दोबारा नहीं कर रहा अब आपके लिए, ये ऐसे और यहाँ डबल वन, ओके, ये काम फिर आगे वही फर्दर प्रोसेस कर देना कि हमको एलिमिनेशन सोचना है, दोनों की को लीविंग करना है, तो मुझे किसको बाहर निकालना चाहिए, है ना, यहाँ से आप ट्राई खुद करके ज़रूर देखोगे, ठीक है ना। तुम बोलोगे करता भी खुद ही है और फिर बोलता कर भी लेना, बड़ा मज़ा आता है ना। बस अब दिमाग चलाइयो कि कौन से बॉन्ड को तोड़ना चाहिए, ए बॉन्ड को कि बी बॉन्ड को, जाहिर सी बात है मैं ए बॉन्ड को तोड़ूंगा तभी तो खड़क से बाहर निकलेगी, तुम लोग टैलेंटेड हो गए हो पता है, तुम लोग का दिमाग जो है तेज चलने लग गया है, ए पे नेगेटिव ले आऊंगा या सड़क से, ये इसका हैप्पी बर्थडे, ये बाहर, और ये रिएक्शन कुछ ऐसी फिनिश हो जाएगी, टिक टिक, है ना, कुछ ऐसा यील्ड तुम्हें मिलेगा, ये तुम्हारा आंसर हो गया दोस्त, ठीक है। मतलब मेरे क्वेश्चन के लेवल को समझ रहे हो, एग्जाम में फेवर रिस्की के नाम पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आप सारी नेम रिएक्शन प्लीज़ एक बार में नहीं आती हैं, मैं आपको बता दूं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको दो तीन बार उस रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रोडक्ट बन पाएगा दोस्त, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनता है। मतलब पर्सनली बताऊँ, चूँकि इतनी सारी रिएक्शन हो जाती हैं और कौन सी रिएक्शन कब याद करनी है, तो उसका एक सही तरीका है भाई, एक चार्ट पेपर ले ले और वहाँ पे उसको एक एक को लिखते चले जा समरी वाइज, उसको रोज़ देखता रहे, जब आप उसको रोज़ देखोगे तो आपके दिमाग में उसकी एक इंटरप्रिटेशन बनने लग जाएगी, ठीक है, फिर आपको सपने भी इसी के आएंगे। चलो थैंक यू वेरी मच दोस्त, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक मार देना, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। और इस कोड को ज़रूर याद रखना, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की मैकेनिज्म के साथ, नेम रिएक्शन के साथ। स्टे कनेक्ट गाइज़।